सेमीफाइनल नंबर दो, इसमें आप भिड़ंत है इंग्लैंड वुमेन बनाम साउथ अफ्रीका वुमेन। साउथ अफ्रीका होस्ट नेशंस है, कंडीशंस को बेहतर तरीके से जानती है, और इंग्लैंड दूसरी तरफ एक डोमिनेंट साइड आप कह सकते हैं। इनका जैसा आपस में रिकॉर्ड रहा है, हेड टू हेड बात करेंगे हम बाद में, लेकिन जैसा आपस में रिकॉर्ड रहा है, इंग्लैंड काफी डोमिनेट की है साउथ अफ्रीका को थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। जो भी इन्होंने आपस में खेला है मोस्टली इंग्लैंड ने डोमिनेट किया है। लेकिन वहां पे एक छोटा सा फैक्टर ये आ जाता है कि साउथ अफ्रीका को पहला तो होम एडवांटेज है, दूसरा साउथ अफ्रीका ने लास्ट जब इंग्लैंड को हराया था तब इंग्लैंड को T20 वर्ल्ड कप नहीं हराया था, T20 वर्ल्ड कप नंबर 2020, सॉरी वर्ल्ड कप पर ईयर 2020, तो उसमें जो है इंग्लैंड को मात दी थी। तो क्या वो दोहरा पाएंगी वर्ल्ड कप में वापस से, या फिर इंग्लैंड जिस तरह के फॉर्म में है रोलर कोस्टर की तरह मतलब ट्रेल ब्लेज कर जाएंगी, अब वो देखने वाली बात होगी। हम डिस्कस करेंगे हर एक चीज को, हर एक पहलू को, और साथ ही में आपको बताएंगे कैप्टन वाइस कैप्टन पिक कौन बन सकती है आपकी इस मैच के लिए, साथ में आपकी ग्रैंड लीग की स्मॉल लीग की हेड टू हेड की टीम कैसी खेलेगी, पिच रिपोर्ट क्या होगा, सब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको पसंद आता है सारी बात सारी डिस्कशन, तो बिना देख के बस ऐसे चले मत आइएगा, थोड़ा सा काम कीजिए, छोटा सा काम कीजिएगा, आपको कोई पैसे चार्ज नहीं करने वाले हम, आप फटाफट सिंपली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बस इतना सा कीजिए, आप फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे, और कमेंट और शेयर नोटिफिकेशन ये बोलने की बात है ही नहीं, फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे तो आप वैसे भी करेंगे, तो प्लीज फटाफट वो सब कर दीजिए। बात करते हैं इस मैच के बारे में, ये है सेमीफाइनल नंबर दो, 24 फरवरी को शाम को 6:30 बजे, 6:30 बजे मैच शुरू होने का टाइम है। आपके लिए क्रूशियल टाइम कितने बजे का है, 6 बजे का, जब टॉस होगा, और टॉस के बाद स्क्वाड में कुछ अपडेट्स कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे पिछले मैच में आए थे पिच को देखते हुए, अब ये पिच कैसे बिहेव करेगी बातें बात करेंगे, लेकिन पिच को देखते हुए कुछ चेंजेस कुछ अपडेट्स आ सकते हैं। अब वो क्या चेंजेस क्या अपडेट्स होंगे वो आपको टॉस के बाद ही पता चलेगा, इसलिए आप नोटिफिकेशन आइकन जरूर दबा लें हमको का, और दूसरी बात हमारे ऐप को डाउनलोड करना मत भूलिएगा, आपको हम नोटिफिकेशन भेज देंगे 6:02 या 3 मिनट के अंदर, बोलेंगे भाई साहब ये फाइनल स्क्वाड है इसके अकॉर्डिंग अपनी टीम में चेंजेस कर लीजिए, ताकि कोई ऐसी खिलाड़ी ना रह जाए जो उस दिन नहीं खेल रही हो, ताकि आपका नुकसान ना हो, आपको नुकसान से हम बचाना चाहते हैं। साथ ही में सिर्फ नोटिफिकेशन नहीं, आपको 50, 60, 70 यहाँ पे वीडियो में सबको सिर्फ दो ही टीम डिस्कस करेंगे हम, लेकिन आपको ऐप में या फिर हमारे वेबसाइट www.fantasygilly.com दोनों जगह आपको 50, 60, 70 टीमें मिल जाएंगी, आपको प्लेयर स्टैट्स सब कुछ मिलेगा वहां पर डिटेल में, तो प्लीज चेकआउट करना मत भूलिएगा, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन की तरफ, आपको सारे पॉइंट्स मिलने वाले इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में, लेकिन अगर आपको समय का अभाव है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके सीधा किसी भी पॉइंट पे जा सकते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ताकि कोई ऐसा छोटा फैंटेसी टिप ना रह जाए जो आपके लिए बहुत कारगर हो सकता था इस मैच में फैंटेसी गेमिंग खेलते वक्त, तो उसको ध्यान रखिएगा, पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। अगर समय का अभाव है तो आपके लिए हमने सहूलियत कर दी है, आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक कर सकते हैं। बात करते हैं टॉप फैंटेसी पिक्स की, यानी कि ऐसे कुछ खिलाड़ियां जो आपके हर टीम में रह सकती है, मान लीजिए आपने 5 टीमें 10 टीमें 15 टीमें बनाई हैं, उस हर टीम में रह सकते हैं, क्योंकि आप हर अलग अलग टीम में अलग अलग 11 तो ट्राई कर नहीं सकते, आपको कुछ कॉमन प्लेयर रखने ही पड़ेंगे, आप चाहे वो 4 रखे चाहे 3 रखे लेकिन कॉमन प्लेयर रखने पड़ेंगे, ताकि आप उसके अराउंड जो है बाकी टीम बिल्ड कर सके और आपको परेशानी भी कम हो, तो वो आपके लिए हमने ऑलरेडी सॉर्ट कर दिया कि आपके कॉमन प्लेयर कौन हो सकते हैं, ताकि आप कम से कम एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स को मिली जाए। ऐसे 4 खिलाड़ी हमारी तरफ से आपके लिए, इंग्लैंड की तरफ से नैटली स्टीवर्स, ऑफी एक्सन, इसमें तो कोई संदेह की बात है ही नहीं, दूसरी तरफ है साउथ अफ्रीका की तरफ से तस्मिन ब्रिट्स और मरियन कैपर, तो ये आपके लिए टॉप परफॉर्मर्स हैं, टॉप फैंटेसी पिक्स हैं फिलहाल इस मैच के लिए, आप इनको ट्राई कर सकते हैं अपने हर एक टीम में। बाकी कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पिक्स और भी बाकी सारी चीजें, पिच रिपोर्ट, पूरी की पूरी टीम, ग्रैंड लीग की, स्मॉल लीग की, हेड टू हेड की सब बात करेंगे, लेकिन 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 बॉलीवुड मूवी नहीं है, इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार केडीएम पर फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस ब्रांड न्यू वीडियो में, जहां पे आज हम बात कर रहे हैं सेमीफाइनल नंबर 2 इंग्लैंड बनाम साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच में। अब इस मैच में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, सारी बातों का एक एक करके हम विश्लेषण करेंगे, और सबसे पहले लेके चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, पिच एंड कंडीशंस। तो पिच एंड कंडीशंस कहते हैं यहाँ पे, वेन्यू जो है आपको न्यूजीलैंड केप टाउन है, वही वेन्यू है जहां पे पहला सेमीफाइनल खेला जाने वाला है। इस वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे मैच फर्स्ट सेमीफाइनल खेला नहीं गया है,
इसलिए अगर हम कुछ स्टैट्स मिस आउट कर दें उसके तो आप हमें माफ कर दें, बट फिलहाल हमारी जो स्टैट्स एनालिसिस कहती है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर सकते हैं। तो न्यूलैंड्स केप टाउन जो है यहाँ पे ये वेन्यू है, पिच बैटिंग फर्स्ट, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है और प्रेफरेंस उनको दिया गया है, प्लस बैटिंग रिकॉर्ड अगर आप देखें तो 167 का है फर्स्ट इनिंग्स में, और यहीं पे इंग्लैंड ने 200 का स्कोर पार किया, फिर एक टीम ने 180 के आसपास का स्कोर भी पार किया है, तो एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड कह सकते हैं फर्स्ट इनिंग्स के लिए। अब उस चक्कर में क्या है, सेकेंड इनिंग्स में टीम जो है मारने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाती है, पहला तो वो, दूसरा स्कोर बोर्ड प्रेशर सेमीफाइनल के मुकाबले में बहुत बड़ा बात होता है, नॉकआउट्स में स्कोर बोर्ड प्रेशर एक बहुत बड़ा मेंटल एस्पेक्ट क्रिएट करते हैं, तो वो दूसरा वजह है जहां क्यों आपको बैटिंग फर्स्ट टीम को प्रेफरेंस देना पड़ेगा। बाकी वेदर से कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। दूसरी तीसरी बात, चौथा आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इस मैच के लिए और फिर सेमीफाइनल वन के लिए जो पिच ली गई है वो फ्रेश पिच है, तो बाउंड और ये पिच जो है इससे एक साइड की बाउंड्री बहुत छोटी है जिसको टारगेट कर सकते हैं, तो बहुत संभल के खेलना पड़ेगा, और स्पिनर्स को इस मैच में अच्छा मदद मिल सकता है, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में जहां पिच थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है, कि दोपहर का मैच है, दिन का मैच है, वहां पे सेकेंड इनिंग्स में थोड़ा सा पिच पे आपको दिक्कतें आ सकती है, खासतौर से इसी पिच पे जो है फर्स्ट मैच खेले जाने के बाद, फर्स्ट मैच भी इसी पिच पे होगा और सेकेंड मैच भी इसी पिच पे होने वाला है, मतलब ये सेमीफाइनल टू जो है इसी पिच उसी पिच पे होगा जहां पे सेमीफाइनल वन खेला गया है, तो इसलिए आपको सेमीफाइनल टू में स्पिनर्स को आप थोड़ा तवज्जो दे सकते हैं। बात करते हैं हेड टू हेड कैसा है इन दोनों के बीच में, तो हेड टू हेड फिलहाल इंग्लैंड वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन के बीच में 19-3 का, क्लियरली इंग्लैंड टीम डोमिनेट कर रही है, प्लस लास्ट पांच में भी इंग्लैंड डोमिनेट कर रही है, लेकिन जो आखिरी एक मैच जीता हुआ है वो है वर्ल्ड कप का, T20 वर्ल्ड कप 2020 का, जहां पे साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराया था, तो मतलब एक क्रूशियल जंक्शन पे जहां पे प्रेशर को हैंडल करना पड़ता है वहां पे साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज की थी, तो उस केस में शायद साउथ अफ्रीका थोड़ा बहुत कह रहे होंगे कि एक्सपेक्टेशन रखी है हमसे, आप एकदम लूट आउट मत कीजिए, तो आप भी जो है बैलेंस टीम बनाइएगा, एकदम एक तरफा टीम ना खड़ा कीजिएगा। अब आते हैं इंग्लैंड की 11 कैसी दिख सकती है आपको इस मैच में, प्रोबेबल 11 हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो पिछला मैच खेली थी, वो है सोफिया डंकली, डेनी व्हाइट, एलिस कैप्सी, नेटली स्कीवर, हिदर नाइट, एमी जोन, सोफी एक्सेस्टन, कैथरीन ब्रंट, शार्लेट डीन, सारा ग्लेन और फ्रेया डेविस, ये जो है आपकी 11 लास्ट मैच खेली थी और क्या खूब खेली थी, मजा आ गया था, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि उस मैच में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद कोई चेंजेस हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे इनसे। अच्छा, प्लेइंग स्टाइल जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्लेइंग स्किल जो है इनकी स्किल सेट दिख रही है आपको, एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स पिछले 10 मैच का आपको है, पिछले 10 मैच का, एक दो मैच का नहीं, पिछले 10 मैच का आपको यहाँ पे एवरेज फैंटेसी पॉइंट दिया हुआ है, बाकी लास्ट आपके रन और विकेट्स तो है ही, आप उसको चेकआउट करके अपनी खुद की स्ट्रैटेजी भी फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन स्क्रीन पे देखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो पहला लिंक जो है वो टेलीग्राम चैनल का है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली अपडेट्स मिल जाया करेंगे, दूसरा जो लिंक है वो पीडीएफ का है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारे स्टैट्स आपको रेडीली अवेलेबल मिल जाएंगे। अब आते हैं साउथ अफ्रीका की 11, द होस्ट टीम जो है, अब होस्ट टीम का 11 कैसा दिख सकता है आपको, कजमिन ब्रिट्स, लॉरा बुलवॉट, मायर कैप, सून बुस, जो ट्रायन, नदीम डिक्लार्क, एनी बॉश, सिनालो जाफ्ता, जबनीम इस्माइल, आयाबोंगा खाका, नानकुलेको मलावा, ये जो है आपकी 11 इस मैच में आपको दिखने वाली है, प्लेइंग स्टाइल एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स रन्स और विकेट्स आपको दिख ही रहे हैं, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, आप इसके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, आप टीम कैसी बनानी है वो तो आपको बताएंगे हम थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं प्लेयर हेड टू हेड यानी कि मुकाबला कैसा है दोनों प्लेयर के, दोनों टीम के प्लेयर्स के बीच में, तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है हमेशा, मरियान कैप बनाम सोफी डिवाइन बनाम सोफी डिवाइन और सारा ग्लेन, सॉरी सोफी एक्सेल्सन और सारा ग्लेन, माफ कीजिएगा, तो इनका इन दोनों के अगेंस्ट रिकॉर्ड जो है काफी अच्छा है, तो मरियान कैप जो है सोफी डिवाइन को भी काफी अच्छा खेलती, बार बार तो सोफी डिवाइन कह रहा हूँ, सोफी एक्सेस्टन उनके अगेंस्ट, वैसे तो सोफी एक्सेस्टन जो है नंबर 1 T20 रैंक बॉलर है, बट इनको मरियान कैप जो है काफी अच्छा खेलती है, 24 गेंद में 34 रन है, 141.7 के स्ट्राइक रेट से मारा है, एक बार मात्र आउट हुई, तो ये जो है इनको काफी अच्छा खेल लेती है, और सारा ग्लेन को भी अच्छा खेल लेती है, 29 गेंद में 40 रन बनाए हैं, 137.9 यानी कि 138 के स्ट्राइक रेट से बस एक बार आउट हुई है, तो
ये दोनों के अगेंस्ट काफी अच्छा खेलती है। इसका क्या एक इंडिकेशन की ये मरियान कैप जो है स्पिनर्स को अच्छा खेलती है। दोनों जो इंग्लैंड के टॉप स्पिनर्स हैं दोनों को अच्छा फिलहाल खेल रही है मरियान कैप, तो इनको स्पिनर्स से कोई उनका परेशानी नहीं है। प्लस कल जो है ग्राउंड का एक साइड छोटा है काफी ओवर रहेगा, तो स्पिनर्स को वहां पे उस एरिया पे टारगेट कर सकती है। तो मरियान कैप आपकी एक वन ऑफ द टॉप कंटेंडर्स रहती है इस मैच के लिए। अभी क्लोड ट्राइन बनाम सोफी एक्सेलसन, अब क्लोड ट्राइन बनाम सोफी एक्सेलसन तक कहूँ तो यहाँ पे सोफी एक्सेलसन जो है क्लोड ट्राइन को काफी परेशान करती है। 26 गेंदों में मात्र 27 रन दिया है 103.8 के स्ट्राइक रेट से, 3 बार आउट किया जितिया 3 बार आउट किया इनको क्लोड ट्राइन को सोफी एक्सेलसन ने, तो काफी परेशान करती है। अब तीसरा जो हेड टू हेड है यहाँ पे डेनी वॉइट बनाम साउथ अफ्रीका बॉलर्स। डेनी वॉइट जो है साउथ अफ्रीका के मैक्सिमम बॉलर्स के आगे घुटने पस्त है उनके, मतलब परेशान होती है उनके अगेंस्ट। आप बात करो करके शबनीम इस्माइल ने 42 गेंद की है, मात्र 34 रन दिया है और 3 बार आउट किया है। मरियान कैप ने उनको 48 गेंद किया है, मात्र 28 रन दिया है, 58.3 के स्ट्राइक रेट से 3 बार आउट किया है। क्लोड ट्राइन के अगेंस्ट रन तो मारती है, 15 गेंद में 22 रन बनाए हैं 146 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन 2 बार उनके अगेंस्ट भी आउट रही है। आया बोंगा खाका के अगेंस्ट 32 गेंद खेली है, 27 रन बनाई है 84 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन 4 बार आउट हुई है। आया बोंगा खाका के अगेंस्ट 4 बार आउट हुई है। तो डेनी वॉइट पूरे साउथ अफ्रीका लाइनअप के अगेंस्ट परेशान रहती हैं, और ये एक वजह हो सकती है कि आप इनको सेफर टीम में या फिर लो रिस्क टीम में अवॉइड कर सकते हैं। बाकी टीम कैसे बनानी है वो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन आप इनको लो रिस्क टीम में या फिर सेफर टीम में अवॉइड करिएगा मोस्टली। आते हैं आप अपने टीम की तरफ, फैंटेसी 11 की तरफ, यानी कि आपको टीम दिखाएंगे हम स्मॉल लीग हेड टू हेड की, इसके बाद आपको ग्रैंड लीग की टीम भी दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले स्मॉल लीग हेड टू हेड की सेफर टीम जो कहते हैं उसको। विकेट कीपर्स में एमी जॉन्स, बैटर्स में तस्मिन ब्रिट्स, लॉरा बॉयकॉट, एदर नाइट, ऑलराउंडर्स में नैटली स्टीवर, कैथरीन ब्रंट, मरियान कैप, क्लोड ट्रायन, बॉलर्स में सोफी एक्सेलसन, सारा ग्लेन और नानकुलेको मलाबा। ये आपकी 11 रह सकती है स्मॉल लीग हेड टू हेड के लिए। आप इस टीम को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कॉपी ना करें, एक आध कुछ चेंजेस कर लीजिएगा अपनी स्ट्रेटेजी और गट फीलिंग के अकॉर्डिंग। बाकी इसमें जैसे मैंने कहा था कि आप डेनियल 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 वॉइट को आप अवॉइड कर सकते हैं, तो हमने भी अवॉइड किया है सेफर टीम से। सेफ टीम में आप इनको अवॉइड कर लीजिए, क्योंकि ये साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर के अगेंस्ट काफी परेशान रहती है डेनी वॉइट। हो सकता है कल अच्छा खेल ले वो एक अलग बात है, लेकिन स्टार्ट जो कह रहे हैं हम आपको उसके हिसाब से बैक करने के लिए कह रहे हैं। तो ये आपके लिए एक 11 है। अब इसमें आप कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी कौन चुनेंगे? तस्मिन ब्रिट्स एक बहुत अच्छी ऑप्शन उभर के आई है, उभरता सितारा है साउथ अफ्रीका की। उसके साथ में आपको नैटली स्टीवर्ट, मरियान कैप, सोफी एक्सेलसन, ये 3 ऑप्शन बनते हैं जो टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स हैं आपके कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन के लिए। आप ट्राई कीजिए, होपफुली आपको काफी अच्छी रैंकिंग्स आएंगी। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम, ग्रैंड लीग की टीम कैसी दिखेगी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे स्टैट्स पसंद आ रहे हैं, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, फैमिली का हिस्सा बनिए फटाफट। हम 16,000 से बस कुछ ही सब्सक्राइबर्स दूर है, तो फटाफट फैमिली का हिस्सा बन जाइए। बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम की तरफ, तो ग्रैंड लीग की टीम कैसी है? विकेट कीपर्स में एमी जोन्स, कैप्टन वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन भी है ये ग्रैंड लीग में, थोड़ा रिस्कियर ऑप्शन है लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं। उसका बैटर में तस्मिन ब्रिट्स, लॉरा बॉयकॉट, यहाँ पे हमने डेनियल वॉइट को ट्राई किया है। क्यों ट्राई किया है? रिस्कियर ऑप्शन है लेकिन 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 बहुत ही शानदार प्लेयर हैं और प्रेशर सिचुएशंस में काफी अच्छा खेलती हैं, रिसेंटली काफी अच्छा फॉर्म रहा है उनका, तो डेनियल वॉइट उस केस में उस कंडीशन में आपको एक अच्छा स्कोर करके दे सकती है, लेकिन उसका वो एक 50-50 आप चांस कह सकते हैं, रिस्क कह सकते हैं। आप अगर रिस्क लेंगे तो रिवॉर्ड मिल सकता है आपको ग्रैंड लीग की टीम में। अब डेनियल वॉइट को आप ट्राई कर सकते हैं बट रिस्कियर टीम में ट्राई कीजिएगा, मतलब एक आधा किसी टीम में ट्राई कर लें। बाकी ऑलराउंडर्स में नैटली स्टीवर्ट, कैथरीन ब्रंट और मरियान कैप, तीनों तो बिल्कुल रहेंगी रहेंगी, इनके अलावा तो आपकी टीम चलने वाली नहीं है, बेस्ट परफॉर्मर्स है दोनों टीम की तरफ से। बॉलर्स में सोफी एक्सेलसन, सारा ग्लेन ऑफ कोर्स दोनों रहेंगी, नानकुलेको मलाबा तो आपको है ही, आया बोंगा खाखा वो भी काफी अच्छे फॉर्म में है फिलहाल। तो ये आपकी 11 है ग्रैंड लीग के लिए। आप एग्जैक्टली कॉपी ना करें, बार बार कहता हूँ एग्जैक्टली कॉपी मत कीजिएगा, एक आध कुछ चेंजेस कर लीजिएगा अपनी बैट फील्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, ताकि आपका फायदा ज्यादा ज्यादा हो और नुकसान कम से कम हो सके। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की। मान लीजिए आपकी अच्छी टीम बन भी गई आपकी, लेकिन गलत जगह इन्वेस्टमेंट किया तो भी नुकसान होने के चांसेस हैं, तो इसलिए आप इन्वेस्टमेंट सही जगह करें। आप
हेड टू हेड स्मॉल लीग में ज्यादा टीमें लगाइए, ग्रैंड लीग में कम टीमें लगाइए, क्योंकि ग्रैंड लीग का विनिंग परसेंटेज आपको पता ही है 0.1% के आसपास है, और हेड टू हेड स्मॉल लीग का परसेंटेज है जितने का आपका 50-70%। तो आपको आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको किस टीम की तरफ आपको बढ़त बनानी चाहिए। आप ट्राई कीजिए और फैंटेसी को गेमिंग की तरह खेलिए और लत मत बनाइएगा, क्योंकि पैसे तो आप ही को लगाने हैं, जो जो आपको लगता है लीग सूटेबल है आपके लिए आप ट्राई कर सकते हैं, पैसे आपके हैं, बट हम कहेंगे थोड़ा सेफली खेलिए, थोड़ा स्ट्रेटेजिकली खेलिए। फाइनल सेगमेंट ऑफ द डे, आप प्लीज 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 हमारे वेबसाइट और ऐप को चेकआउट करना मत भूलिएगा, www.fantasyclee.com प्लस हमारा वेबसाइट, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सबको आप फॉलो कर लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिल जाए करें। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं रौनक कुमार केडिया, तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ, नेक्स्ट टाइम वी मीट, टेक केयर, बाय बाय।